और कैमरा के साथ यहाँ पे आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और साथ ही में फेस अनलॉक भी कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को। नहीं, यहाँ पर आप चाहे तो फोटो भी खींच सकते हैं, खींच ली, और यहाँ पर आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये मैं हूँ और ये अभिषेक है और हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, हमारी पार्टी हो रही है। तो क्या दोस्तों, आपको इसको स्मार्टफोन से रिप्लेस करना चाहिए? अगर आप सेकेंडरी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसकी जगह आपको इसको यूज़ करना चाहिए? सारी हम डिटेलिंग कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आप भी इस वीडियो में 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना मत भूलिएगा। क्या हाल है दोस्तों आप लोगों की? यहाँ पर दोस्तों जब फायरबॉल ने अपनी ड्रीम और ओरेकल स्मार्टफोन लॉन्च की थी तो आप लोगों को लगा भाई इसमें एक कमी है, कैमरा मिसिंग है। यहाँ पर वो भी पूर्ति कर दी है फायरबॉल ब्रांड ने लॉन्च करके फायरबॉल स्नैप स्मार्टवॉच को, मतलब ये रिस्ट फोन है आपके हाथों में, एक स्मार्टफोन एक तरीके से। और इसका लॉन्च प्राइस है 6000 रुपीज के आसपास, 2GB रैम और 16GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो कि मेरे पास है। और दूसरा वेरिएंट आता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट, उसका प्राइस है अप्रॉक्सिमेटली 6500 रुपीज के आसपास, बस 500 रुपए का ही प्राइस डिफरेंस है। आपको कौन से प्रेफरेबल अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक्जैक्टली देख लीजिए दोस्तों, इसमें आपको फ्रंट में ही 2 MP का क्लैरिटी एक्स कैमरा दिया हुआ है, साथ ही में ये 4G नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करती है स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पर आपको फोन को कैरी करने की जरूरत नहीं है, खुद ही में एक स्मार्टफोन है जिसमें आप सिम इंसर्ट करके वाईफाई से कनेक्ट करके कैमरा का यूटिलाइज करके सारे आप चीजें कर पाएंगे जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन करती है। लेकिन क्या ये वैल्यूएबल है, आपको एक स्मार्टफोन से इसको रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं, सारे हम हैवी तरीके से टेस्टिंग करेंगे इसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ताकि अगर आप एक रिस्ट फोन कंसिडर करने का सोच रहे हैं कैमरा के साथ एंड तक पॉसिबल डेफिनेटली डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि ये कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको फायरबॉल स्नैप रिस्ट फोन का ऐसे बिल्कुल आपको प्रीमियम सा बॉक्स मिलेगा ब्रांड की तरफ से, और बैक साइड में प्राइस मेंशन है 25,000 रुपीज के आसपास, और ये वाला वेरिएंट है 2GB रैम और 16GB स्टोरेज वाला, और ये इंडियन सिम कार्ड ही सपोर्ट करती है स्मार्ट वॉच। और इसको हम करेंगे अनबॉक्स, तो आप देख सकते हैं प्रीमियम इस बॉक्स की, काफी आपको प्रीमियम बॉक्स मिल जाएगा। एक ही चीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैक की गई है। हमेशा की तरह सबसे पहले आपको पेपर वर्क मिलने वाला है, आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे आपको कूपन कोड्स मिलने वाले हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक आपको यूजर मैनुअल मिलने वाली है स्मार्टवॉच के बारे में, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक यहाँ पर आपको अच्छी खासी लेंथ की आपको इस तरीके की आपको चार्जिंग केबल मिलने वाली है स्मार्टवॉच को, इसके ऊपर रख के चार्ज कर सकते हैं स्मार्टवॉच को भी। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्तों, दिस इज द रिस्ट फोन यू विल बी गेटिंग, ऐसा आपको लुक एंड फील की यहाँ पे स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 22mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले, अलग अलग यहाँ पे आपको स्ट्रैप वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे। स्ट्रैप क्वालिटी काफी आपको बढ़िया मिलने वाली है, इसको लेकर दिक्कत नहीं लगी, आप चाहे तो यहाँ से स्ट्रैप्स चेंज भी कर सकते हैं। और बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट सेंसर्स मिलने वाले हैं, पूरी आपको ऐसे पॉली कार्बोनेट बिल्ड की आपको स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाएगी, और यहां पर आप देखेंगे तो दो आपको बटन्स मिलने वाले हैं साइड में, और यहां पर आपको फ्रंट में ही एक सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, जो लुक एंड फील है फ्रंट में कैमरा को काफी आपको कूल मिल जाएगा। तो जो सिम ट्रे दी गई है सिंपली इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको 4G नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करती है स्मार्ट वॉच, इसमें आप सिम इंसर्ट करके आराम से प्लग इन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो ये वाला बटन, इसको आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप रीबूट कर सकते हैं एक बार सिम इंसर्ट करके, ताकि यहाँ पे कनेक्शन में कोई दिक्कत ना आए। और ये स्मार्ट वॉच है एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट वॉच, इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 8.1 मिल जाएगा। और इंसर्ट करने के बाद सिम कार्ड को यहाँ से आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे आपको स्मार्टफोन में बिल्कुल लुक एंड फील रहता है यहाँ पे आपको मिलने वाला है। बैटरी परसेंटेज यहाँ पे जो 4G नेटवर्क यहाँ पे दिखा रहा है, मल्टीपल यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलने वाली, वाईफाई को लेके, ब्लूटूथ को लेके, एयरप्लेन मोड में डाल सकते हैं, ब्राइटनेस के लेवल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो मल्टीपल यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएगी, शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पर। और फ्रंट में आपको 2.13 इंच का AMOLED ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है, जो इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस है, व्यूइंग एंगल से काफी आपको परफेक्ट मिलने वाले, उसको लेकर दिक्कत नहीं लगी। और जो AMOLED डिस्प्ले है 600 निट्स की ब्राइटनेस से आता है, तो आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस है वो भी काफी आपको परफेक्ट मिलने वाली, आराम से यूज कर सकते हैं सनलाइट में भी। बाकी UI की स्मूथनेस की बात करेंगे दोस्तों, UI भी बिल्कुल आपको परफेक्टली स्मूथ मिलने वाला, इसको यूज करने मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, आराम से बिल्कुल लैग फ्री आप बोल सकते हैं UI को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो साइड में दो बटन्स दिए गए, जो ऊपर वाला बटन, इसको आप ऐसे सिंगल प्रेस करके स्क्रीन को पावर ऑन और पावर ऑफ कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहां से आप रीबूट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को। और जो नीचे वाला बटन है, इसको आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी एप्लीकेशन स्मार्ट वॉच की आप एक्सेस कर पाएंगे, और इसी बटन को अगर आप डबल प्रेस करेंगे आपके बैकग्राउंड में कितनी एक्टिविटीज चल रही है, तो उसको भी यहां से आप क्लोज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं एक्टिविटीज को। और इसी को यहां पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको सेटिंग्स मिलने वाली है वॉल्यूम का कंट्रोल को लेके, वॉल्यूम के लेवल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो साउंड की सेटिंग्स हैं, मीडिया वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, यहां से आप सेट कर पाएंगे अपने हिसाब से। और यहां पर इसके ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे तो यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल फीचर्स मिलने वाले हैं, फोन कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर आपको प्रॉपर डायल पैड मिलने वाला है, अगर आप सिम इंसर्ट करेंगे तभी आप कॉलिंग कर सकते हैं। और इसका आउटपुट कैसा है माइक्रोफोन और स्पीकर का, यहां पर आप देखिए हमारा DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम स्मार्ट वॉच का। हेलो, हां दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई हूं। बैठे हुए हैं तो एक कॉलिंग टेस्ट की जाए यहाँ पर। हाँ हाँ, अभी ना यहाँ पे फायरबॉल ब्रांड ने एक स्नैप करके एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। हाँ है ना, तो उससे बातचीत कर रहा हूँ, इसमें कॉलिंग का फीचर तो है, मतलब ये एक तरीके से स्मार्टफोन ही है अपने हाथों में स्मार्ट वॉच के रूप में। हाँ, तो सिम डाल के इससे बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज आपको कैसी आ रही है यहाँ पे? आवाज तो सच समझ में आ रही है, ठीक है, लाउडनेस एडिकेट है।
ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है? तो ऐसे कोई बातचीत में हमारी दिक्कत आ रही है आपको? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से चल रही है बातचीत, आराम से चल रही है। ठीक है दीक्षा जी, थैंक यू। ओके हाँ बाय बाय। इसका कॉलिंग फीचर भी काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, इंडोर कंडीशन में हैं, आउटडोर कंडीशन में भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, आराम से आप घूम फिर के बातचीत कर पाएंगे। माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों सही तरीके से वर्क करते हैं वैसे। बाकी अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको और भी सेटिंग्स मिलने वाली है। यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैं वाईफाई से कनेक्ट कर चुका हूँ। हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको शेयरिंग करनी है डेटा की तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, एयरप्लेन मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में ब्लूटूथ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको पेयरिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको TWS कनेक्ट करना है तो TWS को भी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ को यूज करके, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन, स्मार्ट आइलैंड का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी का नोटिफिकेशन आए तो आपको कैसे कलर में नोटिफिकेशन चाहिए यह सेट कर पाएंगे आप। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप ऑन करके आप साइड में देख सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे विंडो आ जाएगा, मतलब इसको आप इसे प्रेस करेंगे तो मल्टीपल आपको शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं, जो आपको शॉर्टकट एक्सेस करना है तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये भी अच्छा फीचर लगा मुझे यहाँ पर। और स्लीप पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 30 सेकंड्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम 30 मिनट्स तक यहाँ पे आप स्क्रीन ऑन रख सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे आप। और साथ ही में रेस्यू में फीचर का ऑप्शन भी मिलने वाला है, इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, जो कि डिसेंट तरीके से वर्क करता है। स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर वैसे डिस्प्ले मिल जाएगा, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी पर्टिकुलरली। बाकी आपको साउंड की सेटिंग्स मिल जाएंगे, आपको कैसा आउटपुट चाहिए। ऑडियो प्रोफाइल में आपको जनरल पे, साइलेंट, वाइब्रेशन, आउटडोर, कैसा आप यहाँ पे ऑडियो प्रोफाइल चाहिए सेट कर पाएंगे। स्टोरेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 GB का स्टोरेज है, कहाँ आपका स्टोरेज यूज हुआ है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं उसको भी। साथ ही में डिवाइस सिक्योरिटी में आपको स्क्रीन लॉक करना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे आप। सॉफ्टवेयर अपग्रेड जाते रहते हैं, लोकेशन का ऑप्शन, इसमें आपको बिल्ट इन GPS मिलने वाला है, साथ में एक्सेलरेशन, गूगल, पावर सेविंग। मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी सेटिंग्स मिलने वाली हैं। स्मार्टवॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से भी आप। इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 8.1 मिल जाएगा, 2 GB रैम है, और साथ ही में इसमें आपको कॉर्टेक्स क्वाडकोर प्रोसेसर दिया हुआ है। बाकी अगर हम इसके मेन फीचर की बात करेंगे दोस्तों, जो कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा का अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको 2 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, जिसका आपको आउटपुट ऐसा मिलने वाला है जो कि यहाँ पे डिसेंट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको डिसेंट कैमरा मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपको फोटोज लेनी है, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है इसके थ्रू, अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप इंस्टॉल करके वीडियो चैट्स करनी, वीडियो कॉल्स करनी, वो भी आप कर सकते हैं इसके थ्रू। बाकी प्लस पॉइंट ये, इसमें आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी, जैसे आप नॉर्मल फोन में इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको पेटीएम इंस्टॉल करना है, आपको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे जो QR कोड है, ये QR कोड भी स्कैन कर सकता है फ्रंट कैमरा से, ये भी एक प्लस पॉइंट है। आप QR कोड स्कैन करके स्मार्ट वॉच के थ्रू ही पेमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही में इसके फ्रंट कैमरा को यहाँ पे आप फेस अनलॉक के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सेट कर सकते हैं, जो कि वैसे सही तरीके से वर्क करता है, मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ वैसे। अगर आप फेस दिखाएंगे तो अनलॉक होती है प्रॉपर तरीके से स्मार्ट वॉच, उसको लेके पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, या फिर आप पासवर्ड डिटेल रख सकते हैं अगर आपको फेस अनलॉक नहीं चाहिए तो। बाकी प्ले स्टोर को यहाँ पे यूज करके मैंने यूट्यूब, उबर को, मल्टीपल एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल करके देखी हुई है। यूट्यूब को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, यूज करने में UI को लेके यूट्यूब के टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से आप ऐसे रील्स को भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं, वो भी सही तरीके से वैसे वर्क करती हैं। और यहाँ पर जो यूट्यूब की क्वालिटी है, इसका आउटपुट स्पीकर को लेकर लाउडनेस कैसी है, उसको भी आप यहाँ पे साउंड सुन लीजिए लगे हाथ। अगर मैंने सर्विस सर्फर को भी इंस्टॉल किया हुआ है स्मार्ट वॉच में, फिर यहाँ पे मैंने खेल के भी देखा हुआ अच्छे से, आराम से वैसे आप टाइम पास करने के लिए मल्टीपल गेम्स को इंस्टॉल करके आराम से खेल सकते हैं, उस पर्पज के भी सही ऑप्शन है ये। बाकी बिल्ट इन GPS दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको मैप्स यूज करना है, गूगल मैप्स को यूज करना है, आपको नेविगेशन करना है, तो यहाँ पे आप कैजुअल पर्पज के लिए, हमेशा तो नहीं बोलूंगा, कैजुअल पर्पज के लिए इसको भी आप यूज कर सकते हैं। उबर को भी इंस्टॉल करके यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आपको कैब बुक करनी है इमरजेंसी के टाइम पे, अगर आपका फोन साथ में नहीं है, इसको आप कैरी करके कैब भी बुक कर सकते हैं, जोमेटो से खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और स्टाइल में जाएगा तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसा मेन्यू व्यू चाहिए, या फिर आपको वर्टिकल मेन्यू व्यू चाहिए, या फिर आपको सेलुलर मोड चाहिए, तो अपने हिसाब से आप मेन्यू व्यू भी सेट कर सकते हैं। और वॉलपेपर्स में जाएंगे तो जो बैकग्राउंड है यहाँ पे मेन्यू व्यूज का, उसको आप सेट कर सकते हैं, ये भी अच्छा फीचर लगा मुझे। तो यहाँ पे आपको कौन सा बैकग्राउंड पसंद आ रहा है, आपको एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में कौन सी पिक्चर चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको स्टेप काउंटिंग करनी दोस्तों, यहाँ पे आपको उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप नॉर्मल स्मार्टफोन को यूज करते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं स्टेप काउंटिंग को लेकर, एक्टिविटीज पार्ट को लेकर। और इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर मिलने वाला है, जो कि आपको काफी क्लोज रीडिंग दिखा देगा इंस्ट्रूमेंट किट में, स्मार्ट वॉच में आप देख सकते हैं। और साथ ही में आपको ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट मिलने वाला है, वो भी काफी आपको यहाँ पे एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है स्मार्ट वॉच में और इंस्ट्रूमेंट किट में। और फ्लैशलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है टैप टैप का, इसको भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी और भी ऑप्शन है, क्लॉक का ऑप्शन, कैलकुलेटर का ऑप्शन, अलार्म का ऑप्शन दिया हुआ है। और इसमें आपको मल्टीपल वॉच फेसेस भी मिलने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कुछ आपको बिल्ट इन वॉच फेस मिलने वाला है, देख सकते हैं आपको ऐसी क्वालिटी के वॉच फेस मिल जाएंगे जो आपको पसंद आ रहा है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप डायल बार में भी जा सकते हैं, जो इंटरनेट है उसको यूज करके ये मल्टीपल आपको वॉच फेसेस दिखा देगा, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस जो आपको पसंद आ रहा है यहाँ से इसको भी अप्लाई।
अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे आप खुद की फोटो भी लगा सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। मतलब मल्टीपल कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेकर भी। और यहाँ पर अलग से ऐप मार्केट भी दिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं जो यूजफुल आपके एप्लीकेशन है वॉइस असिस्टेंट को लेकर, नेटफ्लिक्स, आपको यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल करना है, अमेजन प्राइम या कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं इसको लेकर भी। और ये IP67 रेटिंग के साथ आती है, अगर पानी के स्प्रेसेस लगते हैं, अगर आप यहाँ पे हैवी वर्कआउट भी करते हैं, इसको पहन के स्वेट आता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस स्मार्ट वॉच को। और काफी लोग पहले भी कमेंट्स आ चुके हैं दोस्तों के, भाई हम PDF को रीड कर सकते हैं कि नहीं इसके अंदर, तो भाई ये एक स्मार्टफोन ही एक तरीके से आप यहाँ पे प्ले स्टोर से कोई सा PDF रीडर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके WhatsApp के थ्रू कोई PDF फाइल आती है, आपको यहाँ पे ई-बुक्स रीड करनी है, PDF फाइल रीड करनी है, वो आप आराम से कर पाएंगे इसके थ्रू। और बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, इसमें आपको 1000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन यहाँ पर इस पर एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन लिया है फायरबोल्ट ब्रांड ने बैटरी को लेकर। मैं पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूँ, मैं आप बोल सकते हैं इसको मैं यहाँ पे 2 दिन से अच्छे से यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज सुबह से मैं इसकी जब वीडियो बना रहा था, रिकॉर्डिंग कर था, सुबह मैंने इसको 100% फुल चार्ज कर दिया, और यहाँ पर अभी भी हम देखेंगे तो यहाँ पे 56% बची हुई है, और मैंने इसका बिल्कुल लक के यूज किया हुआ है। मतलब 6 से 7 घंटे में बिल्कुल लक के स्मार्ट वॉच में लगा हुआ है, मैंने गेम्स भी खेले, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे, काफी हमने रिकॉर्डिंग करी हुई है, टेस्टिंग करी हुई है, तो इसकी बैटरी काफी आपको बढ़िया मिलने वाली है। अगर आप हैवी यूज करेंगे, दिन भर लगे रहेंगे, तब भी जैसे एक नॉर्मल स्मार्टफोन देता है बैटरी लाइफ, इसमें आराम से 1 से 1.5 दिन के आसपास यहाँ पे हैवी यूसेज पे बिल्कुल बैटरी लाइफ दे सकते हैं। नॉर्मल यूसेज एडिक्वेट तरीके से यूज करते रहेंगे तो आराम से आप हो सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे 3 से 4 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ निकाल सकती है स्मार्ट वॉच। बैटरी इसकी मुझे पर्सनली इस टाइम पे काफी इंप्रेसिव लगी। और यहाँ अगर हम इसके हीटिंग इशू की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है, आप बोल सकते हैं मैंने गेम्स भी काफी खेले। अगर आप गेम्स खेलते हैं, नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, अगर आप 10-15 मिनट गेम खेलने लग जाएंगे तो लगेगा कि हाँ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं हीट करिए स्मार्ट वॉच। और अगर यहाँ पे यूट्यूब पे सर्फिंग करते हैं, मतलब रील्स देखेंगे या कोई वीडियो देखेंगे, तो थोड़ी थोड़ी लग सकता है कि 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पे हल्की हल्की हीट होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट भी नहीं होती है, आपको लगेगा लेकिन हाँ महसूस साफ साफ होगा यहाँ पे आपको हल्की फुल्की हीट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से फायरबोल्ट ब्रांड ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ इसको लॉन्च करके, यहाँ पर आपको एक रिस्ट फोन में ही एक कैमरा का सेटअप दे दिया है, जिससे आप मल्टीपल अपने टास्क कर पाए। कैमरा से आपको पिक्चर लेनी है, QR कोड स्कैन करके पेमेंट करनी है, या आपको वीडियो कॉलिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी जो ये वाला फीचर मेरे हिसाब से सैमसंग और जो एप्पल के स्मार्टफोन रहती है वो भी आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं अच्छे खासे प्राइस पॉइंट में। प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे अच्छा इनिशिएटिव लगा यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करेंगे क्या इसको आपको रिप्लेस करना चाहिए आपके स्मार्टफोन से, तो भाई मतलब मेन अगर आपका जो प्राइमरी फोन है उससे तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आपको एक सेकेंडरी फोन आप यूज करते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आईफोन यूज करते हैं, आपको सेकेंडरी फोन की जरूरत रहती है, तो उस पर्पज किसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक सेकेंडरी फोन यूज करते हैं या फिर आपको एक शौक है भाई कि हाथों में हमारे सब चीज़ हो पाए, मतलब QR कोड की स्कैनिंग से लेके कैमरा से लेके बातचीत से लेके हर चीज हो पाए, तो उसको आप डेफिनेटली उस पर्पज के लिए चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, टेस्टिंग के साथ आप पे डिसीजन मैटर करता है दोस्तों। बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी है डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रोडक्ट पसंद आया चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट्स में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च्ड फायरबोल्ट स्नैप Android smartwatch with built-in selfie camera. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.